Namaskar friends, welcome to SDKG Studies and SDKG YouTube channel classes. And now we are going to discuss about trade union. Trade union is very important as far as examination point of concern because trade union is covered in labour law also. Trade union is covered in industrial relation also. So we have to understand trade union so that we can. Uh, attend maximum uh, questions related to trade union if upsc asks so let us start so trade unions are, are autonomous membership based association of workers who advocate for the for and engage in collective bargaining on behalf of the working class so we will just uh, segregate the terminology used in the uh, para so trade unions are autonomous autonomous means they are self financed they are independent they don't have outside pressures. so they are autonomous. membership-based association of workers. so it is basically it is association of workers. so membership of the trade union is membership-based association of workers. it's a union of workers. association of workers who advocate for and engage in collective bargaining on behalf of the working स सो हियर कलेक्टिव बारगेनिंग मीन्स क्या होता है अगर वन टू वन अगर हम किसी से बार्गेन करते हैं वन टू वन अगर एक इंप्लॉय एक एम्प्लॉयर के पास जाता है तो शायद उस बात को वो कम सुने कम वैल्यू दे ना सुने ये भी हो सकता है लेकिन वहीं अगर ग्रुप में दो चार आदमी जाए तो ग्रुप में जाने से क्या होता है उसको सुनना ही पड़ता है तो कलेक्टिव बारगेनिंग क्या है एक एक ग्रुप सिस्टम है कलेक्टिव बारगेनिंग में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसोसिएशन मैनेजमेंट से बात करते हैं सो so इसकी वेटेज ज्यादा होती है किस परपज के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास राइट दे ऑफर गाइडेंस टू देयर मेंबर्स हु हैव इशूज एट वर्क स्पीक ऑन देयर बिहाफ क्टिंग विद एम्प्लॉय एंडोशिय वर्कर का सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है उसको सैलरी बढ़ते रहना चाहिए बीच बीच में चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे वो बोनस हो चाहे वो इंसेंटिव हो उसकी कुछ न कुछ सैलरी बढ़ती रहनी चाहिए क्योंकि फैमिली की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती रहती है आ, समय समय पर महंगाई भी बढ़ती रहती है तो उसे कोप अप करने के लिए बीच बीच में सैलरी बढ़ते रहना जरूरी है तो यूनियन का मेन काम तो यह है कि कुछ ऐसा करें कि इम्प्लॉय इम्प्लॉयज का सैलरी बढ़े पे बढ़े पे के साथ पर की भी बढ़े उनके बेनिफिट्स भी बढ़े तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं दे ऑफर गाइडेंस टू देयर मेंबर्स हु हैव इशूज एट वर्क सो so, अगर वर्क प्लेस पर कोई इश्यू है उसको भी उसकी भी बातें पहुँचानी है उनके बिहा पे कुछ बातें करनी है उनकी बातें भी पहुंचानी है एम्प्लॉयर से भी इंटरेक्शन करना है निगोशिएशन भी करना है फॉर पे एंड वर्किंग कंडीशन एडिशनली यूनियंस सपोर्ट्स मेंबर्स एजुकेशनल एंड लर्निंग पॉसिबिलिटीज आप लोगों को पता ही है धीरे धीरे यूनियन ने क्या किया है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इनको जब से मिला उसके बाद से ही उन्होंने लर्निंग प्रोसेस भी एजुकेशनल प्रोसेस भी इन्होंने अपने हाथ में लिया है ये अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करते हैं लर्निंग प्रोवाइड करते हैं एडवांस इक्वल अपॉर्चुनिटी एट वर्क बाकी सारे जितने भी वर्कर हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इसके लिए वो टाइम टू टाइम उनको ट्रेड करते हैं कम्बेट डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी भेदभाव न हो इसका भी ध्यान रखते हैं एंड एड इन गारंटिंग अ सेफ एंड हेल्दी एटमोसफेयर एट वर्क प्लेस जो होना चाहिए वो सेफ होना ही चाहिए और हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए इस पर्पस के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे तो वो अगर प्रोविजन मेट नहीं करते हैं इंप्लॉयर अगर एम्प्लॉयर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये जो यूनियन नाम का जो मशीन है ये यूनियन नाम का मशीन कलेक्टिव बारगेनिंग करके और वो वो वहाँ पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाते हैं न्यूमरस यूनियन ऑफर देयर मेंबर्स सर्विसेज इंक्लूडिंग वेलफेयर बेनिफिट्स प्राइवेट लीगल काउंसिल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट सो मेन काम के अलावा यूनियन का जो भी मेन टास्क है उसके अलावा भी वेलफेयर स्कीम्स अपने वर्कर्स के लिए वेलफेयर बेनिफिट प्राइवेट लीगल काउंसिल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी यूनियन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीपल हु ऑल डू द सेम टाइप ऑफ वर्क सो ये क्या है थोड़ा सा संक्षेप रूप में इसको कहेंगे इसका कंसेप्ट थोड़ा सा वाइड कम है So, में हम कहेंगे तो यूनियन क्या है यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीपल हु ऑल डू द सेम टाइप ऑफ वर्क एक ही तरीके के काम करने वाले लोगों के समूह को यूनियन कहते हैं ऐसा ऐसा नैरो स्कोप में हम कह सकते हैं ट्रेड यूनियंस ट्राई टू गेट बेटर पे एंड वर्किंग कंडीशन फॉर देयर मेंबर्स सो ट्रेड यूनियन क्या करते हैं बेटर पे और बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए वो प्रयासरत रहते हैं हिंदी में इसे श्रमिक संघ कहते हैं एक ही प्रकार के काम करने वाले श्रमिकों का संगठन जो श्रमिकों को बेहतर वेतन आदि दिलाने का प्रयत्न करता है मजदूर संगठन या ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाता है तो ये तो रहा हमारे समझने वाली बात कंसेप्ट क्लियरेंस की बात अब कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम हम डेफिनेशन पार्ट में चलते हैं और जब इंडस्ट्रियल रिलेशन का हम डेफिनेशन बता रहे थे उस समय भी हमने लेस्टर का डेफिनेशन को हमने इम्पोर्टेंस दिया था यहाँ भी हम लेस्टर के डेफिनेशन को लेकर के आए हैं सो व्हाट लेस्टर सेज एज फार एज ट्रेड यूनियन डेफिनेशन इज कंसर्न ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ इम्प्लॉयज डिजाइंड प्राइमरली टू में इसमें सब कुछ आ जाता है इंप्लॉय से रिलेटेड मैक्मम चीजें इसमें कवर हो जाती है इसलिए जब इंडस्ट्रियल रिलेशन का डेफिनीशन हम पढ़ रहे थे उस समय भी लेस्टर का जो डेफिनेशन था वो आ, आ, एग्जॉस्टिव uh, था उसने मैक्मम चीजों को कवर कर लिया था और यहां जब हम ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन देख रहे हैं तो यहां भी लेस्टर का जो डेफिनेशन है वो बता रहे हैं कि ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ठीक है जी ट्रेड यूनियन क्या है एक एसोसिएशन है एक संघ है एक संगठन है किस चीज का ऑफ इंप्लॉइज एम्प्लॉयिज का संगठन है किस लिए डिजाइंड प्राइमरली टू मेटेन और इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय प्राइमरली इनका मेन काम क्या है टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स इसके अलावा सेकेंडरी एंड तर्सरी इनके ऑब्जेक्टिव है इनका प्राइमरी जो है प्राइमरी इनका जो डिजाइन किए गए हैं टू मेंटेन और टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंप्लॉयमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स सो वर्क प्लेस पे जब भी इंप्लॉय को प्रॉब्लम होती है वो अपने यूनियन के पास दौड़ते हैं और यूनियन वाले उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं ठीक है नेक्स्ट वेब का कहना है द ट्रेड यूनियन इज ए कंटिन्यूअस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर वर्किंग लाइफ So, यहां पर क्या बता रहे हैं वेब का कहना है कि ट्रेड यूनियन इज ए कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स सही बात है वेज अर्नर्स का ही ये एसोसिएशन एसोसिएशन है, है। फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर वर्किंग लाइफ्स। तो इनका भी डेफिनेशन जो है लेस्टर के डेफिनेशन से मिलता जुलता है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन लेबर यूनियन भी इसी को कहते हैं ट्रेड यूनियन भी इसी को कहते हैं कंफ्यूज नहीं होना है और भी बहुत से नोमचर इनके आएंगे बस हमें यह समझना है कि ये वेज अर्नर का एक एसोसिएशन है इंप्लॉयज का एक एसोसिएशन है फॉर देयर बेटरमेंट ये ध्यान में रखना है सो so, ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स टू प्रोमोट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव

मेंबर्स so जो भी वेज अर्नर्स है मेंबर्स कौन है इंप्लॉइज है सो इंप्लॉइज के सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना प्रमोट करना improve, improve करना ये सब ट्रेड यूनियन का प्राइमरी काम हो गया वर्कर्स फॉर्म एन एसोसिएशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड दर इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड पुट अप यूनाइटेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट पहले इंडस्ट्रियलिस्ट का के तरफ से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होने का प्रोबेबिलिटी हायर था अभी कम हो गया है तो अगर कोई किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है जो राइट right इंप्लाइज को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन उसके लिए पहुंच जाता है और ट्रेड यूनियन का काम यह है द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द ट्रेड यूनियन इज देयर ओन कहने का मतलब ट्रेड यूनियन को किसी से कुछ पूछ के नहीं करना है उनके मेंबर्स जो हैं उनके जो एम्प्लॉई हैं वो अपना पॉइंट लेकर के आए और उस पॉइंट को आपस में उन्होंने चर्चा किया और उसको आगे बढ़ा दिए ये उनका ओन एकॉर्ड है इस पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है तो इस तरीके से ट्रेड यूनियन में सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है जनरली ऑल वर्कर्स इन पार्टिकुलर ऑकुपेशन आर द में ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग होता है ऐसा देखा है तो उस कॉटन इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं तो वो अलग अलग भी ट्रेड अपना ट्रेड यूनियन अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं नहीं तो उस यूनिट का एक, एक यूनियन हो सकता है नहीं तो उस नाम उस, उस कंपनी के चार पांच यूनिट हो तो उस कंपनी का पूरा एसोसिएशन हो सकता है तो ये एसोसिएशन हर फॉर्म में छोटे फॉर्म से लेकर के बड़े फॉर्म तक हो सकता है बट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ कंपलशन इन द मेंबरशिप मेंबर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ट्रेड यु, यूनियन का मेंबर किसे बनना है और किसे नहीं बनना है इसमें कोई कंपलशन नहीं है ये वॉलंटरी एक्शन है इफ ए वर्कर डिजाइड ही कैन स्टे अवे फ्रॉम द ट्रेड यूनियन अगर कोई वर्कर ये डिसाइड करता है कि मुझे नहीं ट्रेड यूनियन का मेंबर बनना मैं, मुझे कोई ट्रेड यूनियन से कोई मतलब नहीं है मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं अपने कंपनी में ठीक हूँ मेरी कंपनी अच्छी है कंपनी के जो मालिक है वो जो मेरा वेलफेयर देख रहे हैं वो अच्छा है अगर ऐसा वो सोचते हैं तो कोई उनको कंपेन नहीं कर सकता कि नहीं नहीं आपको ट्रेड यूनियन ज्वाइन ही करना है ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना कोई कंपल्सरी नहीं है ये एक ऑप्शनल एक्टिविटी है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन के बारे में हमने बात कर लिया ट्रेड यूनियन के डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर लिया ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट अब कम से कम क्लियर हो गया होगा ट्रेड यूनियन क्या है वर्कर्स का एम्प्लॉयज का एसोसिएशन है हा? जहां कहीं भी वेज अर्नर्स हों उनके इस, उनका जो एक ग्रुप है उस ग्रुप को करने को एसोसिएशन फॉर्म कर लिया उसको ट्रेड यूनियन कहते हैं अब ट्रेड यूनियन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज है साहब ये तो क्लियर है ट्रेड यूनियन क्या है एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज है ट्रेड यूनियन इज सिंपली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स हु आर में स्पेसिफिक क्लास ऑफ जॉब प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस सो ट्रेड यूनियन वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन हो सकते हैं जॉब के आधार पर भी हो सकते हैं प्रोफेशन के आधार पर भी हो सकते हैं ट्रेड के आधार पर भी हो सकते हैं बिजनेस के आधार पर भी हो सकते हैं इसलिए ट्रेड यूनियन वेराइटी ऑफ वे हो सकता है बट वन थिंग इज कॉमन दैट इट इज एसोसिएशन ऑफ इंप्लॉइज जो एम्प्लॉइज है एम्प्लॉइज का एक संघ है ये उनका एक एसोसिएशन है ये उनका एक ग्रुप है ये ठीक है एसोसिएशन मेड वॉलंटरली तो साहब ऐसा है एसोसिएशन तो है लेकिन जोर जबरदस्ती वाला एसोसिएशन नहीं है कि नहीं इसमें तो आपको पार्टिसिपेट करना ही है नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं है जिनकी इच्छा है वहीं ट्रेड यूनियन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहीं ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं जिनकी इच्छा नहीं है वो नहीं बन सकते इसलिए दिस एसोसिएशन इज मेड आउट ऑफ वॉलंट्रली रिक्वायरमेंट इट्स नॉट कंपल्सन इट्स डिपेंड्स अपॉन द वॉल ऑफ द वर्कर परमानेंट ट्रेड यूनियंस आर टिपिकली कंसिडर्ड परमानेंट बॉडीज ये परमानेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन होता है

ज्वाइन करते रहेंगे रिटायर होते रहेंगे इसलिए इट इज ऑफ परमानेंट नेचर मेंबर्स मे ज्वाइन एंड लीव एट द यूनियन इज स्टिल इन प्लेस जो बूढ़े होंगे वो रिटायर होंगे जो नए होंगे वो ज्वाइन करेंगे तो ये चलता रहेगा इसलिए ये परमानेंट नेचर का है शेयर्ड इंटरेस्ट मेंबर्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन कम टुगेदर ओवर इश्यूज सच एज जॉब सिक्योरिटी बेटर सैलरी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सो क्या होता है ट्रेड यूनियन में एक जैसे लोग हैं क्योंकि एक जैसे लोग हैं इसलिए उनका इंटरेस्ट भी एक जैसा है और जब इंटरेस्ट एक जैसा है तो इसको हम कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन शेयर्ड इंटरेस्ट इसमें सबका मिलता जुलता इंटरेस्ट है क्या इंटरेस्ट हो सकता है जॉब सिक्योरिटी मुझे मालिक हटाए नहीं जॉब सिक्योरिटी हो सकता है बेटर सैलरी हो सकती है एक आदमी का तो सैलरी बढ़ेगा नहीं सैलरी बढ़ेगा तो उस पूरे ग्रुप का बढ़ेगा कंडीशन ऑफ इंप्लॉयमेंट हो सकता है ऐसा तो होगा नहीं कि एक आदमी के लिए ए लगा दे बाकी आदमी को छोड़ दे एंड अदर इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सो जो कुछ भी कॉमन इंटरेस्ट की बातें होंगी वो सब ट्रेड यूनियन में डिस्कस किए जाएंगे ग्रुप एक्शन होता है इसमें वेन अ सिंगल इंप्लॉय कंप्लेन अबाउट ए पार्टिकुलर मैटर डिसीजन द ट्रेड यूनियन विल स्टेप इन टू हेल्प इज रिजॉल्व द इशू इसमें जब भी होगा तो ग्रुप एक्शन होता है ग्रुप में ही तो पावर होता है ग्रुप एक्शन को ही कलेक्टिव बारगेनिंग कहते हैं सो ग्रुप एक्शन को ही कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं कलेक्टिव बारगेनिंग ग्रुप एक्शन से होगा स्ट्राइक ग्रुप एक्शन से होगा धरना होगा वो ग्रुप एक्शन से होगा सो होता यह है कि इशू एक हो सकता है कॉमन हो सकता है इंडिविजुअल का भी हो सकता है लेकिन जो एक्शन होगा वो ग्रुप एक्शन होगा वट इज द नीड फॉर ए ट्रेड यूनियन मुझे लगता है कि अब इस प्रश्न का तो उत्तर हम लोगों को मिल चुका होगा कि ट्रेड यूनियन की जरूरत क्या है मोटे मोटे तौर पर अगर हम ये बात करें तो जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं उन एम्प्लॉय का वेलफेयर उनका पे उनका पैकेज उनका वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर रहा ही मेन काम होना चाहिए ट्रेड यूनियन का देख लेते हैं यहाँ पर सो इंगेजिंग इन कलेक्टिव एग्रीमेंट विद एडमिनिस्ट्रेशन इंस्योर्स दैट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कंडीशन सो क्या जरूरत है जब कलेक्टिव वे में हम जाएंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे दो चार आदमी साथ में जाएंगे तो उसमें एम्प्लॉयर को सुनना पड़ेगा मैनेजमेंट को सुनना पड़ेगा और उसके अनुसार जो वर्किंग कंडीशन होगा वो इम्प्रूव करना पड़ेगा प्रोवाइडिंग वर्कर्स विद प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग एम्प्लॉय हायरिंग एंड फायरिंग सो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में फ्राइडे फीवर चलता है फ्राइडे फीवर का मतलब ये होता है कि मंडे को कम किसी एम्प्लॉ को एम्प्लॉय किया गया मंडे से फ्राइडे तक उन्होंने काम कैसा किया क्या किया उसके अनुसार उनके उनके जॉब को एसेस किया जाता है और फ्राइडे इवनिंग उनको बताया जाएगा कि वेदर यू आर गोइंग टू कंटिन्यू और नॉट अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो ऐसे बता दिया जाएगा और नहीं तो बोलेंगे नमस्कार करते हैं आपका ये पाँच दिन का सैलरी है आपको मंडे से आने की ज़रूरत नहीं है फ्राइडे फीवर भी इसको कहते हैं तो so, वर्कर का क्या है वर्कर जब ट्रेड यूनियन में जाएगा तो ट्रेड यूनियन वाले उसको बताएंगे सही क्या है गलत क्या है यहाँ का कंडीशन क्या है कैसे करने हैं कैसे नहीं करना है तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा किस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलेगा हायरिंग एंड फायरिंग से प्रोटेक्शन मिलेगा हायरिंग एंड फायरिंग को मैंने आपको बता दिया कि मंडे को लेना है और अगर आगे जरूरत है तो रखेंगे नहीं जरूरत है तो नहीं रखेंगे फायर फ्राइडे को फायर कर देना है गो नेजमेंट इन द प्रोपर लेवल ऑफ वर्कर ग्रीवेंस रिमेडीज होता है ना वर्कर्स का कभी कभी ग्रीवेंस होता है वर्कर्स का जो ग्रीवेंस होगा उसकी रेमेडी ढूंढनी है तो रेमेडी कैसे ढूंढेंगे एक आदमी ढूंढेगा क्या नहीं हो पाएगा तो मैनेजमेंट एक अपना ग्रुप है मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयर का ग्रुप है तो उस ग्रुप से बात करने के लिए ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज का ग्रुप हो जाएगा रेफरिंग डिसग्रीमेंट और इश्यूज़ टू आर्ब्रिटेशन इफ इट इज नॉट रिजॉल्व या तो यूनिट में रिजॉल्व होगा और नहीं तो कंसिलियन में जाएगा आर्ब्रिट्रेशन में जाएगा और ये ट्रेड यूनियन करती है ट्रेड यूनियन इज ऑथोराइज टू डू इट डिस्कस मैनेजमेंट इश्यूज इंक्लूडिंग वर्किंग आवर्स एक्स्ट्रा कंपेन्सेशन पे एंड एक्सेस टू इल हेल्थ केयर एंड अदर सोशल प्रोग्राम्स सो so, ये वर्किंग आवर से रिलेटेड इशू हो एक्स्ट्रा कंपेंशेशन से रिलेटेड इशू हो पेमेंट से रिलेटेड इशू हो हेल्थ केयर से रिलेटेड इशू हो सोशल प्रोग्राम से रिलेटेड इशू हो इनके बारे में भी ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी रहती है इसलिए भी ट्रेड यूनियन की जरूरत है टू फोस्टर कोलाबोरेशन विद एम्प्लॉयर्स सो क्या है हर इम्प्लॉय इम्प्लॉयर के पास नहीं जा सकता अगर कंपनी में पांच हजार दस हजार इंप्लॉय है तो वो सारे वर्क एम्प्लॉयर के पास नहीं जा सकते हैं और जाना भी नहीं चाहिए नहीं तो वहां पर जगह कितना कब कितना और बाकी काम कब होगा तो इसलिए इंप्लॉई का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ही विल गो टू द एम्प्लॉयर और वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आएगा ट्रेड यूनियन से आएगा ट्रेड यूनियन एक बनी 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 बनाई संस्था है और वो ट्रेड यूनियन का जो इंप्लॉयी है वो एम्प्लॉयर के पास जाएगा और ये इंश्योर करेगा कि जो भी उनके कंसर्न है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए टू स्टील ऑफ सपोर्ट फॉर लेबर एंड इन जनरल पब्लिक, लोगों के बीच में भी हमारे जो वर्कर हैं हमारे जो एम्प्लॉई है हमारे जो ट्रेड यूनियन मेंबर्स हैं इनकी शाख अच्छी बनी रहे इसका भी ध्यान रखना है इसलिए ट्रेड यूनियन इज नेसेसरी ट्रेड यूनियन इज इंपोर्टेंट एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या करते हैं वो तीन इसमें से डाल देंगे और एक कहीं से और डाल देंगे और पूछेंगे कि वन इज नॉट द नीड ऑफ द ट्रेड यूनियन और वहां पे आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऑप्शन कम रहेगा इसलिए आपको हर एक पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लेना है मन में बैठा लेना है एक एक इश्यू को मन में बैठा लीजिए सो दैट जब एमसी आए वो ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछे तो आप रेडी हो उनका आंसर देने के लिए रिप्लाई करने के लिए अब अगर ट्रेड यूनियन इतनी जरूरत वाली चीज है ट्रेड यूनियन मेंबर्स का इंप्लाइज का इतना ध्यान रखते हैं तो आइए इनके ग्रोथ के बारे में भी जान लेते हैं कि इनका ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट एंड मेंबरशिप कैसे हुआ पहला जो पीरियड है उसको बोलते हैं अर्ली पीरियड so, अर्ली पीरियड में सोशल वर्कर्स, वर्कर्सिस्ट रिलीजियस लीडर्स लेड द मोमेंट मोस्टली ऑन ह्यूमेटेरियन ग्राउंड सो so, जो अर्ली पीरियड है जो फर्स्ट पीरियड है एडवांस पीरियड है उसमें क्या होता था वर्ग वर्कर की कंडीशन ठीक नहीं थी वर्कर का वर्कर को मशीन की तरह ही ट्रीट uh, किया जाता था कॉमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था एम्प्लॉय की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था तो वो कंडीशन अच्छा नहीं था तो उस कंडीशन उस समय में उस जरूरत को पूरा करने के लिए कौन आए कुछ सोशल वर्कर्स आए कुछ रिलीजियस लीडर्स आए कुछ ह्यूमटेरियन अप्रोच वाले लोग आए और ियन ग्राउंड पे ह्यूमनिटेनियन ग्राउंड पे वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो एम्प्लॉयर तक पहुंचाते थे और वो इंश्योर करते थे कि उसका काम हो रहा है ठीक है साहब उस समय कोई ट्रेड यूनियन नाम का संस्था नहीं था और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था आफ्टर द फैक्ट्रीज एक्ट एन एटी वन वॉज पास इंपोर्टेंट यूनियन प्राउटेड अपनी सो एटीन एटी वन में जब फैक्ट्री एक्ट आया तो उसके बाद से धीरे धीरे कई प्रकार के जो यूनियन है वो धीरे धीरे फैलने लगे कोई रेगुलेशन नहीं है कोई रूल नहीं है कोई पॉलिसी भी नहीं है लेकिन फैक्ट्री यूनियन एक्ट आने के बाद फैक्ट्री एक्ट एटीन एटी के आने के बाद से आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रेड यूनियन नाम की जो आज संस्था है जो फल फूल चुकी है उसकी जड़ें वहां पर फैलने लगी मोडेस्ट बेगनिंग आउट ब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार वन एंड दब्सिक्वेंट इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड सोशल कंडीशन इंफ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट सो जब वर्ल्ड वारन हुआ प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से जब भी विश्व युद्ध जब भी युद्ध होगा भूल जाइए विश्व युद्ध जब भी युद्ध होगा तो वहां से क्या होगा स्कारसिटी ऑफ कॉमोडिटीज हो जाएंगी वहां से क्या होगा महंगाई बढ़ जाएगी वहां से क्या होगा जो लो लेवल के लोग हैं जो वर्किंग स्टाफ है जो 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 है, जो हैं, उनका बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है तो सबसे ज्यादा सफर अगर वार के बाद कोई होता है तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है सो तो वहां से अब जब सबसे कमजोर होगा और जब सब उसको सफर करेंगे तो वहीं से कोई ना कोई रास्ता निकलता है और इसलिए जो जो वर्ड फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से जो इकोनॉमिक सिच सिचुएशन बने जो पॉलिटिकल सिचुएशन बने जो सोशल कंडीशंस बने दे इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड यूनियन मोमेंट इसके बाद से लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन एरिया में सबसे बड़ा जो आ, एक, एक ए, ए, ट्रिगर पॉइंट कहा जाए वो ट्रिगर पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई और 1919 में स्थापना होने के बाद से आई इशू किया और उन्होंने बोला कि वर्कर को अपना अपना ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश करने का अधिकार है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्मड इन द ट्वेंटी ऑफ ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन इन 1922 जब ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इंडिया में जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जो 1920 में स्थापित हुई और उसके बाद से दूसरी जो यूनियन थी वो रेलवे की थी जो 1922 में इस्टेब्लिश हुई यूनियंस बिगेन टू अडॉप्ट मिलिटेंट पोस्चर्स टू अचीव देयर डिमांड्स अब यहाँ पर क्या हुआ जैसे ही लोग इकट्ठा होना शुरू किए यूनियन के रूप में तो उनके पास पावर आते गया और वो वायलेंट होते गया और वो अपनी डिमांड को छीनना शुरू कर दिए ये मेरा राइट है और ये मुझे मिलना चाहिए तो वो एग्रेसिव वे में अपने डिमांड को वो एक्सेप्ट करवाने पे पीछे पड़ गए स्प्लिट्स एंड मर्जर्स वेयर क्वाइट नो कॉमन अब जब ऐसा सिचुएशन होगा जब कुछ लोग मिलिटेंट वे में बिहेव करेंगे तो कुछ लोग तो पीसफुल वाले भी होंगे तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कुछ यूनिट्स कुछ ट्रेड यूनियंस मर्ज हो रहे थे और कुछ ट्रेड यूनियंस स्प्लिट हो रहे थे मर्जर मतलब दो या दो से यूनिटों का मिल जाना इकट्ठा हो जाना उसको मर्जर कहते हैं और डी मर्जर बोलते हैं और चाहे स्प्लिट बोलते हैं दोनों हो सकता है डी मर्जर और स्प्लिट का मतलब एक यूनिट का दो तीन यूनिट में विखंडित हो जाना द इन्फ्लुएंस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट ये ट्रेड यूनियन ऐसे नहीं बने थे ये ट्रेड यूनियन पोलिटिशियन के सपोर्ट से बने थे एक एक पोलिटिशियन थे जो लोगों को इकट्ठा किए और उसके बाद से उन्होंने ट्रेड यूनियन स्टाब्लिश किया सो ट्रेड यूनियन इंडिया में शुरू से ही किसी न किसी पोलिटिकल लीडर के शेडो में ही बढ़ी है आज भी जितने ट्रेड यूनियन हैं उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है जितने भी ट्रेड यूनियन है सबका किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से uh, सीधे के सीधे एफिलिएशन है ये ऑन द रिकॉर्ड है ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है करेंट स्टेटस इट बीन अ लॉन्ग एंड ऑर्डियस ऑर्डर्स रोड टू फॉर द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है इनके स्थापित होने के बाद से वन टू थ्री फोर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा पासिंग ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में आया जो रेलवे मेंस फेडरेशन 1922 में आया सो so, ये 1920 में आया ये 1922 में आया इसके बाद से ये गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बन गई कि कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाए ट्रेड यूनियन को रेगुलेट करने के लिए इनके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस बताए जाएं, अगर उसको फॉलो नहीं करते तो कैंसिलेशन के प्रोसेस बताए जाएं, ट्रेड यूनियन के पावर क्या होंगे ट्रेड यूनियन क्या कर सकते हैं और ट्रेड यूनियन क्या नहीं कर सकते हैं इसको ध्यान में रख कर के ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन को पास किया गया उसके बाद से तो जैसे भारतीय जनता को समझ में आ गया कि ट्रेड यूनियन स्टाब्लिश करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसलिए वहाँ से तो समझ लीजिए कि मशरूमिंग हो गया इतने ट्रेड यूनियन पैदा हो गए कहना मुश्किल है क्योंकि वहाँ से रेगुलेशन मिल गया ना करेंट स्टेटस ये है कि इट हैज बीन अ लॉन्ग एंड ऑर्डर्स रोड फॉर द ट्रेड यूनियन मोमेंट इन इंडिया पास्ट बोस्टिंग ऑफ प्रोमोटेंट नेशनल लीडर्स एट सेंटर स्टेज टू मिलीटेंट प्रजेंट टिल नाइनटीन नाइनटी एंड ए पेनफुल प्रोसेस ऑफ फाइटिंग फॉर सरवाइवल टिल टू थाउजेंड एंड एन अनसर्टन फ्यूचर कहने का मतलब ये हुआ है कि ट्रेड यूनियन इस्टाब्लिश तो हो गए ट्रेड यूनियन का मूमेंट भी चल पड़ा लेकिन ये ट्रेड यूनियन का जो मूवमेंट है वो एक जैसा स्मूथ नहीं रहा इसमें भी बहुत से अप एंड डाउन आए हैं ट्रेड यूनियन ने भी बहुत से अप डाउन अप एंड डाउन बहुत से स्विंग देखे हैं ट्रेड यूनियन 1947 के बाद से पॉलिटिकल सपोर्ट में भी आए तो ग्लोबलाइजेशन के समय में ट्रेड यूनियन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमारे वर्कर्स को कहीं हटा ना दिया जाए ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो कहीं एम्प्लॉय ना हो जाए अनएम्प्लॉयड ना हो जाए वट इज द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इम्प्लॉइज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन बाई करते हैं so है? अगर इम्प्लॉयर को वर्कर की जरूरत है इम्प्लॉयज को जरूरत है तो अपने ट्रेड यूनियन को बता देते हैं कि ट्रेड यूनियन हम कुछ एक्सपेंसन करने जा रहे हैं हमें कुछ इंप्लॉय की जरूरत है अगर आपके पास कुछ रेफरल है तो आप हमें बता देना तो इसलिए वो सिलेक्शन uh, प्रोसेस में ट्रेड यूनियन हेल्प करता है थ्रू इनकरेजिंग वर्क प्लेस डिसिप्लिन एम्प्लॉयर जो है वो सीधे सीधे ट्रेड यूनियन का जो लीडर है उसको बुलाएगा और वो बताएगा ऐसे ऐसे ये रूल है ये पॉलिसी है ये आपका डिसिप्लिन है और आई डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस और ट्रेड यूनियन का जो लीडर होगा वो अपने इंप्लॉयीज़ को बताएगा अपने मेंबर्स को बताएगा और जनरली ऐसा देखा गया है कि उनके इंप्लॉय जो हैं अपने ट्रेड यूनियन लीडर की बातें मानते हैं तो मैनेजमेंट का काम यहाँ पर आसान हो जाता है अलाउिंग फॉर द एमिकेबल सोल्यूशन ऑफ लेबर कन्फ्लिक्ट अगर किसी प्रकार का लेबर कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका एमिकेबल सोल्यूशन ट्रेड यूनियन ढूंढना है ढूंढना काम है उनका एंड असिस्टिंग विद सोसाइटल एडाप्टेशन सोसाइटी से रिलेटेड भी जितनी लेबर इशूज हैं इम्प्लॉय ईशूज हैं उसमें भी इनका रोल होता है द न्यू वर्किंग एनवायरमेंट एंड द न्यू नॉर्म्स ऑफ एंड प्रोसीजर मस्ट भी अडोप्टेड बाई द वर्क फोर्स ये इंस्योर करते हैं ट्रेड यूनियन इसके बाद से लोअरिंग द इंसिडेंट ऑफ लेबर डिस्प्यूट एंड इंस्टीलिंग सो क्या है लेबर डिस्प्यूट कैसे लोअर होगा कुछ लोगों को समझा करके कुछ लोगों को बहला करके कुछ एम्प्लॉइज को डांट करके और जो जेन्यून इश्यूज है उनको मैनेजमेंट तक टेकअप करके ही आप लेबर डिस्प्यूट को कम कर सकते हैं उसके बाद से वो फीलिंग ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद प्रोमोट एंड कोहेशन यहाँ पर जो लेबर जो ट्रेड यूनियन है जो लेबर यूनियन है उनके जो लीडर्स होते हैं वो अपने इम्प्लॉयज को राष्ट्रीयता का प्रति भी जगह सा, उनको सचेत करते हैं कंपनी के वेलफेयर के बारे में भी सचेत करते हैं और वो उनको हिस्सा से दिलाते हैं कि कंपनी अगर है तभी हम हैं अगर कंपनी नहीं रही तो हम भी नहीं रहे इसलिए कंपनी कंपनी के 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 प्रोडक्शन साथ प्रोडक्टिविटी के साथ कंपनी के, के, के डिसिप्लिन के साथ नो कंप्रोमाइज यह ट्रेड यूनियन इंश्योर इंस, करता है इस्टिशिंग इंडस्ट्रियल हारमोनी सो अगर इतनी चीजों को वो फॉलो करेंगे तो इंडस्ट्रीज में जो होगा वो बड़ी ही शांति होगी बड़ी ही समृद्धि होगी इंडस्ट्री भी फूल फलेगी फूलेगी और एम्प्लॉय भी राज करेंगे उसके बाद से सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन गिव वर्कर्स अ प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड गेट टू नो

वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करना भी इनका सिग्निफिकेंस में आता है तो डिफेंड टू डिफेंड इंप्लॉयज डिजायर इंप्लॉय की जो डिमांड है जो डिजायर है उसको भी डिफेंड करना ट्रेड यूनियन का काम है टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द इंप्लॉयज इंप्लॉयिज का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आगे बढ़ाना इंप्लॉय मैनेजमेंट तक एम्प्लॉयर तक पहुंचाना ट्रेड यूनियन का काम है टू इंश्योर द वेल बींग ऑफ देयर में ट्रेड यूनियन वर्क टू इंश्योर हाउसिंग ऑप्शन हाउसिंग भी दिलाते हैं कहने का मतलब यह है कि ट्रेड यूनियन का सिग्निफिकेंस कम से कम आज के डेट में तो बहुत बढ़ गया है ट्रेड यूनियन इस सिंबल पे काम करता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ अगर हम यूनाइट हैं तो हमारी बातें सुनी जाएंगी अगर मैनेजमेंट नहीं सुनेगा एम्प्लॉयर सुनेगा एम्प्लॉयर नहीं सुनेगा गवर्नमेंट सुनेगी हमारी बातें बड़े से बड़े लेवल तक सुनी जाएगी क्योंकि हम एसोसिएटेड हैं क्योंकि हम यूनाइटेड हैं अगर यूनाइट नहीं रहेंगे तभी का आपका प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन सिक्योरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मेंबर्स इंप्रूविंग द वर्किंग कंडीशंस

इसको मैं अभी इलोबरेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे चीजें हमने सिग्निफिकेंस में भी इलोबरेट किया है नीड में भी एलोबरेट किया है इसके एम में भी एलोबरेट किया है अब आइए ट्रेड यूनियन के जो टाइप से क्लासिफिकेशन है तो उनके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस भी हो सकता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप भी होता है पर्पस के अनुसार ये इतने क्लासिफिकेशन है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और मेंबरशिप के अनुसार क्राफ्ट यूनियन इंडस्ट्रियल यूनियन स्टाफ यूनियन जनरल यूनियन इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं सो क्राफ्ट यूनियन का मतलब क्या होता है इट इज ए यूनियन मेंबर्स डन टाइप ऑफ वर्क मेंबर्स डू वन टाइप ऑफ वर्क ऑफेंस यूजिंग स्पेशलाइज्ड स्किल एंड ट्रेनिंग So, एक जैसा काम एक जैसा काम जिसको करेंगे क्राफ्ट विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं किसी को पॉटरी आती है किसी को प्लम्बरिंग आती है किसी को इलेक्ट्रिसियन का काम आता है किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आता है किसी को बिल्डिंग का काम आता है किसी को मैशन का काम आता है काम के बहुत से वेरायटी हो सकते हैं वो हर वेरायटी क्राफ्ट कहलाती है सो so, क्राफ्ट के अनुसार जो यूनियन होगा एक जैसे गोल्ड स्मिथ का एक ग्रुप हो जाए प्लम्बर्स का एक ग्रुप हो जाए इलेक्ट्रिसियन का एक ग्रुप हो जाए उसको भी क्राफ्ट यूनियन कहेंगे और नहीं तो क्या है कंपनी का जो एक एक यूनिट है एक एक यूनिट क्या होता है एक एक डिवीजन होता है डिवीजन में क्या होगा सबका अलग अलग डिवीजन होगा मेल्टिंग डिवीजन इधर होगा साइजिंग डिवीजन उधर होगा कटिंग डिवीजन उधर होगा वेल्डिंग डिवीजन उधर होगा शार्प डिवीजन उधर होगा डिलीवरी डिवीजन उधर होगा तो डिवीजन के अनुसार भी यूनियन बन सकती है इसलिए क्राफ्ट यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट ऑफ ट्रेड यूनियन है क्राफ्ट यूनियन जो है फर्स्ट है बेसिक ट्रेड यूनियन है इसके बाद से इंडस्ट्रियल यूनियन इट इज यूनियन दैट इंक्लूड्स मेनी पर्सन वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री और कंपनी रिगार्डलेस ऑफ जॉब हेल्ड अब क्या है ये इंडस्ट्री का पूरे इंडस्ट्रीज का एक इंडस्ट्रीज हो गई और एक इंडस्ट्रीज के एक यूनियन जो हो गए अगर हजार इंडस्ट्रीज है तो हजार इंडस्ट्रीज के हजार यूनियन हो गए तो इंडस्ट्रियल बेस पे देखिए मैं आपको कंपनी और इंडस्ट्री में फर्क समझाता हूं एक सुगर मिल ले लेते हैं सुगर मिल जो है सुगर इंडस्ट्रीज हो गई हो गई ना इंडस्ट्री हो गई सुगर इंडस्ट्री में बड़े बड़े मिल मालिक बैठे हुए हैं शक्ति मिल है बजाज हिंद है बलरामपुर सुगर है और भी लोकल वाइज बहुत से मिल होते हैं तो ये बजाज हिंद हो गए शक्ति मिल्स हो गए बलरामपुर सुगर हो गए ये लोग इंडस्ट्रीज के यूनिट्स हो गए और इंडस्ट्रीज का मतलब पूरी शुगर लॉबी पूरी शुगर कंपनी को इंडस्ट्री बोलेंगे पूरे पूरे सुगर इंडस्ट्रीज पूरे सुगर कंपनी जो है उस इंडस्ट्री का नाम हो गया सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत से कंपनी हो सकती है सुगर इंडस्ट्री में बहुत से कंपनी हो सकती है कॉटन इंडस्ट्रीज में बहुत से कंपनी हो सकती है तो वो पार्टिकुलरली वो अगर कॉटन इंडस्ट्री बोल दिए तो उस कॉटन से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हो गए उनका जो एसोसिएशन होगा उसको इंडस्ट्रियल यूनिट बोलेंगे उसके बाद से जनरल यूनिट टाइप ऑफ यूनियन कंसिस्ट ऑफ वर्कर्स इंप्लाइड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट पार्टिकुलर सिटी और रीजन अब एक एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली ले लेते हैं यूपी ले लेते हैं यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है तो यूपी में सुगर का भी सुगर इंडस्ट्री भी है और कॉटन इंडस्ट्रीज भी है पोल्ट्री इंडस्ट्री भी है तो हर प्रकार की जो इंडस्ट्री होगी वो सारे इंडस्ट्री मिल करके और स्टेट लेवल पे जो यूनियन बनाएगी उसको जनरल यूनियन कहते हैं कई बार स्टेट लेवल का भी हो सकता है कई बार कमिश्नर लेवल का भी हो सकता है सो पार्टिकुलर सिटी और रीजन पार्टिकुलर रीजन का जब एक यूनियन बनेगा तो उसको जनरल यूनियन कहेंगे और जब ये सारे जनरल यूनियन इकट्ठा हो जाए यूपी का बिहार का पंजाब का तमिलनाडु का महाराष्ट्र का गुजरात का ये जितने भी ये जनरल यूनियन है ये सब इकट्ठे हो जाए एक साथ नेशनल लेवल पे तो इसको फेडरेशन कहते हैं सो फेडरेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑटोनोमस नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनियंस ठीक है जी तरीके से समरी यह है कि ए वर्कर इज फीलिंग स्पेशली हेल्पलेस वर्कर यूनियन गिव्स देम द दे चांस टू तो देयर गोल्स सो so, वर्कर के बीच में जब भी कुछ आएगा जब भी उसको लगेगा कि मैं कुछ कटा कटा लग रहा हूँ कुछ हटा हटा लग रहा हूँ कुछ मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है वहां पर यूनियन खड़ी है वर्कर के जितने भी रिक्वायरमेंट है सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूनियन खड़ी है सो यूनियन एक बैकबोन है वर्कर का बस समस्या क्या है इसमें कभी कभी यूनियन जो है आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है यूनियन को इस आउट ऑफ ट्रैक होने से बचना चाहिए यूनियन को चाहिए कि इंप्लॉयज का एसोसिए इंप्लॉयज का वेलफेयर तो हमें ध्यान में रखना है लेकिन एम्प्लॉयर का एसोसिएशन इंप्लॉय का जो इंटरेस्ट है उसको उसी लेवल तक ध्यान में रखना है जिस लेवल तक इंप्लॉयर को चोट ना पहुंचती हो अगर कहीं एम्प्लॉयर को तकलीफ हो गई और वहाँ पर डिसिप्लिन हैम्पर हो रहा है रूल रेगुलेशन हैम्पर हो रहा है कुछ काम करने दे नहीं, नहीं रहे हैं मनमानी की दुकान चला रहे हैं तो वहाँ पर सोचने की जरूरत है कि जो एसोसिएशन है जो यूनियन है वो सही रास्ते पे चल रही है कि नहीं तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ट्रेड यूनियन के बारे में विस्तार से चर्चा की है ये जो मटेरियल है उसको हम एस स्टडीज पर डाल रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इसके सब्सक्राइब कर भी रहे हैं और आप इसे शेयर भी कर रहे हैं थोड़े से कमेंट कम आ रहे हैं तो कमेंट भी आने चाहिए जो हमारा दूसरा चैनल है एस डी के जी टू पॉइंट टू टू इस पर ऑलरेडी ये सब मेटेरियल अवेलेबल है वहां पर जाकर के आप सबका व्यू कर सकते हैं देख सकते हैं ये एसडी के जी स्टडीज यूट्यूब चैनल है और इस पर लगभग 186 के आसपास में आ, वन एटी एट वीडियोज इसमें अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं आप एक एक करके इसको देख करके अपनी सुविधा के अनुसार अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं जो दूसरा चैनल है जीके जी टू पॉइंट टू टू इस पर तो हजार से ज्यादा वीडियोज हैं आप इस पर भी जा करके प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए और प्ले लिस्ट चेक करके अपना ज्ञानवर्धन करिए रिविजन ही सबसे बड़ा हमारे पास उपाय है रिविजन को करते रहना है कोई भी नया सब्जेक्ट जब भी पढ़िए तो एटलीस्ट उसको दो बार तीन बार एट 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 आप उसको देख लीजिए वो मटेरियल आपका हो जाएगा रिवीजन करते रहिए है। मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए नमस्कार